Hello students, how are you? Hope you all are fine. Professor Aspit Kaur here. Welcome to my channel Theory Guru. तो last video में हमने layoff के बारे में सब कुछ discuss कर लिया, right? तो इस video में हम retrenchment के बारे में बात करेंगे. Retrenchment का मतलब आपको पता ही है कि permanently किसी भी employee को निकालना from the establishment, ठीक है? तो retrenchment के अंदर हमारे पास first section आता है, section 25F. Conditions precedents to retrenchment of worker. किसी भी workman को निकालने से पहले, retrench करने से पहले कुछ conditions fulfill करनी पड़ती हैं, ठीक है? Certain conditions which must be fulfilled for the valid retrenchment. मतलब अगर किसी person को या किसी workman को निकालना है और establishment से, तो कुछ conditions fulfill करनी पड़ेंगी, right? और ये section सिर्फ उन्हीं वर्कमैन के ऊपर एप्लीकेबल है जिन्होंने कम से कम 1 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस करी है. ये सेक्शन किन के ऊपर एप्लीकेबल है? जिन वर्कमैन ने कम से कम 1 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस करी है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कंडीशन की. कंडीशन क्या है? देखो, किसी भी वर्कमैन को निकालने से पहले, रिट्रेंच करने से पहले, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नोटिस प्रोवाइड करे टू द वर्कमैन बिफोर 1 मंथ. जिस दिन उसको निकालना है उससे पहले, बिफोर 1 मंथ, वो रिट्रेंचमेंट का नोटिस वर्कमैन को प्रोवाइड करे. और ये नोटिस कैसा होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए और उसके अंदर स्पेसिफाई द रीजन. ऑब्वियसली किसी को निकाल रहे हैं तो पता तो होना चाहिए क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है? जैसे कॉलेज में भी आपको जब डांट पड़ती है तो कई बार यही नहीं पता चलता कि ये डांट पड़ क्यों रही है, किस कारण, ठीक है? तो हमें रीजन पता होना चाहिए. तो ये कंडीशन है, क्लियर? फिर हमारे पास आती है कि अगर एम्प्लॉयर वर्कमैन को इमीडिएटली रिट्रेंच करना चाहता है, मतलब कोई ऐसा कारण बन गया, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि अचानक से उस पर्सन को निकालना पड़ेगा, इमीडिएटली रिट्रेंच करना चाहता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको नोटिस के पीरियड की, मतलब नोटिस कितने टाइम पहले देना था? 1 मंथ पहले ना. तो उसने कोई नोटिस नहीं दिया, इमीडिएटली रिट्रेंच कर दिया, तो 1 महीने की वेजेस पे करनी पड़ेंगी टू द रिट्रेंच्ड वर्कमैन. क्लियर हो गया कि पीरियड ऑफ नोटिस, जितना नोटिस का पीरियड होता है उतनी उसे वेजेस पे करनी पड़ेंगी. और ये बिल्कुल मैंडेटरी है. मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, राइट? ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या आती है कि जिस टाइम पे वर्कर को रिट्रेंच करना है तो उसे क्या क्या पे करना है. सबसे पहले पे करना है 15 डेज की एवरेज पे. एवरेज निकालनी आपको आती है, ठीक है? तो 15 दिन की एवरेज पे निकाल लेनी है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. 1 साल अगर उसने लगाया तो उसके पीछे 15 दिन की एवरेज पे उसको देनी है. तो जितने भी साल उसने काम किया है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उतने सारे सालों के लिए उसे 15 दिन की एवरेज पे प्रोवाइड करनी है. लेकिन ये तभी दी जाएगी अगर कम से कम उसने 6 मंथ्स लगाए हैं. इट एक्सीड्स 6 मंथ्स. अगर ये कंपनसेशन 6 महीने से ज़्यादा की बनती है तभी प्रोवाइड करनी है, अगर 6 महीने से कम की बनती है फिर प्रोवाइड नहीं करनी. क्लियर हो गया? फिर कहते इम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नोटिस प्रोवाइड करे रिट्रेंचमेंट का टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द स्पेसिफाइड अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर. तो इम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी? 1 महीने पहले जिस बंदे को रिट्रेंच करना है उसको भी नोटिस प्रोवाइड करे और साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी या गवर्नमेंट को भी नोटिस प्रोवाइड करे इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर. तो ये था हमारा सेक्शन 25F, राइट? अब अगर एम्प्लॉयर इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता विदाउट कंप्लाइंग विद दीज कंडीशंस, तो रिट्रेंचमेंट वॉइड एबनिशो मानी जाएगी. वॉइड एबनिशो आपको क्लियर होगा वैसे तो, फिर से बता देती हूँ एक बार. वॉइड एबनिशो का मतलब होता है जो चीज़ शुरू से ही गलत है, ठीक है? तो अगर बिना किसी कंडीशन को फॉलो किए उसने रिट्रेंच कर भी दिया ना वर्कर को, तो भी उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, वो स्टिल एम्प्लॉयी ही रहेगा. क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ क्लोज्ड और डेड इंडस्ट्री. ये सेक्शन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है क्लोज्ड या फिर डेड इंडस्ट्री के ऊपर. क्लियर? हाँ जी. फिर हमारे पास आता है सेक्शन 25G, प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट. अब रिट्रेंच करना कैसे है? प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट देखो, कहते कि बहुत एक वेल नोन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है रिट्रेंच करने के लिए. आपके अकॉर्डिंगली किसको रिट्रेंच करना चाहिए? जो सबसे पहले ही आया है ऑर्गेनाइजेशन में उसको, कि जो सबसे लास्ट पे आया है?
ऑब्वियसली जो सबसे लास्ट पे आया है सबसे पहले उसी को रिट्रेंच करना बनता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो यही प्रिंसिपल है, फर्स्ट कम लास्ट गो। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले आया है उसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं लास्ट कम फर्स्ट गो। तो जो सबसे लास्ट पे आया है सबसे पहले उसे रिट्रेंच करना चाहिए। तो यूजुअली तो ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस ये सेक्शन भी जो है दो कंडीशंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये पहला, जो लोग सिटीजन नहीं है इंडिया के उनके ऊपर ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर हो गया, जो सिटीजन्स नहीं है इंडिया के। और दूसरा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में पहले से एग्रीमेंट हो रखा है कि हमने रिट्रेंच ऐसे करना है, मतलब कि मान लो बंदा आया था काम पे, उसको जब रखा गया तभी एग्रीमेंट कर लिया गया कि भाई अगर इमरजेंसी होगी ना तो तेरे को रिट्रेंच किया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद चाहे 10 लोग और आ गए लेकिन उनके साथ वो एग्रीमेंट नहीं करा हुआ, तो फिर वही बंदे को रिट्रेंच किया जाएगा जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में या वर्कमैन के बीच में पहले से एग्रीमेंट हो रखा है कि कैसे रिट्रेंच करना है, किस प्रोसीजर में रिट्रेंच करना है, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। अब कहते हैं मैनेजमेंट का क्या रोल बनता है इसके अंदर। मैनेजमेंट को फेयरली एक्ट करना चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हाँ जी इधर ध्यान दो, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई पर्सन है जो आया तो लास्ट में है लेकिन उसके अंदर जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं, बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही एफिशिएंट वर्कर है और बहुत अच्छा काम करता है, तो भी क्या ये प्रिंसिपल अप्लाई करना सही रहेगा, लास्ट कम फर्स्ट गो। तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा ना कि इतना एफिशिएंट पर्सन है हम कैसे खो दें। तो फिर मैनेजमेंट जो है ना उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उस एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सकती है जिसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन स्पेशल स्किल्स हैं, तो उसको रिटेन करके रख सकती है चाहे वो लास्ट पे आया है, ठीक है। और वो उस सीनियर बंदे को रिट्रेंच भी कर सकती है, मतलब फर्स्ट इन है ना, पहले आया है पर्सन इसीलिए सीनियर है, लेकिन वो उसको रिट्रेंच कर सकती है अगर वो इरेगुलर है, अगर वो इनएफिशिएंट है। तो कहते कि जो मैनेजमेंट है वो इस प्रिंसिपल दैट इज लास्ट इन फर्स्ट गो, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन जो भी वो करेगी उसके अगेंस्ट उसके पास एक साउंड और वैलिड रीज़न होना चाहिए कि अगर ये इस बंदे को रख रही है तो क्यों रख रही है, या फिर अगर ये इस पर्सन को निकाल रही है जो कि सीनियर है जो पहले आया था तो क्यों निकाल रही है। मतलब इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा सकती है मैनेजमेंट, लेकिन उसके पास एक साउंड एंड वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 25H, रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कमैन। अब इसमें कहते हैं अगर एम्प्लॉयर को दोबारा रखने की ज़रूरत पड़ती है, वांट्स टू रीएम्प्लॉय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को उसने दोबारा रखना है, तो वो किसको प्रायोरिटी देगा, जिस बंदे को उसने पहले रिट्रेंच करा है। ऑब्लिगेशन है ये, मैंडेटरी कंपल्सरी, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू गिव अ फर्स्ट प्रेफरेंस टू द रिट्रेंच्ड वर्कमैन। आगे वर्कमैन की मर्जी होगी कि वो उस एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो रूल है ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इट डज नॉट कन्फर एनी राइट टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट ऑन हिज प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब वर्कमैन को ये बात समझनी पड़ेगी कि नो डाउट एम्प्लॉयर उसको प्रायोरिटी तो देगा एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो पहले वो काम करता था, जितनी पहले उसको वेजेस दी जाती थी या जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो पहले काम करता था, कि अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेम रहेंगी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट वही वाली दे, वही टर्म्स कंडीशन पे दे और उतनी ही वेजेस पे दे, ये नहीं है ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। सिर्फ क्या ऑब्लिगेशन है कि अगर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, तो वो अपने रिट्रेंच्ड वर्कमैन को प्रेफरेंस दे, लेकिन जैसा मर्जी काम हो सकता है, जितनी मर्जी वेजेस हो सकती हैं, जो मर्जी टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले वाली ही हो। क्लियर, ओके, वेरी गुड, जल्दी जल्दी समझ आ रहा है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 25FF। इसके अंदर बात करते हैं कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। देखो अच्छा है, चाइनीज लग रहा है, चाइना वालों से तो नफरत हो गई है ना कोरोना वायरस की वजह से, तो अब कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। फिर भी अब इसमें क्या है,
इसके अंदर कहते हैं कि मान लो इस बंदे की एस्टैब्लिशमेंट है, इसने ये अपनी अंडरटेकिंग, अपनी एस्टैब्लिशमेंट ट्रांसफर कर दी इसको, अब खुश हो जाओ, अब ये इंडियन है, ठीक है, वो चाइनीज बंदे ने अपनी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दी इंडियन को। अब इस उस अंडरटेकिंग में काम करने वाले लोगों का क्या, जो वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं, तो उन वर्कर्स को क्या मिलेगा? वर्कर्स इज एंटाइटल्ड टू, पहले तो उन्हें नोटिस मिलेगा कि अंडरटेकिंग ट्रांसफर होने वाली है फ्रॉम द वन एम्प्लॉयर टू द अनदर। वो प्रीवियस एम्प्लॉयर था जो चाइनीज है, अब जो ये इंडियन लड़की है ये न्यू एम्प्लॉयर है, तो पहले तो वर्कमैन को नोटिस मिलेगा, दूसरा उनको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेंसेशन कैसे पे करना है? एज पर सेक्शन 25F, जितनी भी प्रोविजंस हमने 25F में पढ़ी हैं वो सारी प्रोविजंस को देखते हुए कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन वर्कर्स को कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, थ्री कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल। फर्स्ट है जो ट्रांसफर हुआ है ना एस्टैब्लिशमेंट का या अंडरटेकिंग का, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हुआ है वो या तो एग्रीमेंट के बेस्ड पे हुआ है या ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ हम कह सकते हैं कोई कोर्ट का फैसला हुआ है जिसकी वजह से अंडरटेकिंग एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर को ट्रांसफर हो गई। तो ये जो ट्रांसफर है या तो वो एग्रीमेंट के चलते हुआ है या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से हुआ है। दूसरी बात, ये जो अंडरटेकिंग है ये इंडस्ट्री होनी चाहिए एज पर सेक्शन 2J। अगर किसी को इंडस्ट्री की डेफिनेशन नहीं क्लियर है तो इसी एक्ट की स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस उसकी हेडिंग है, उसके अंदर इंडस्ट्री भी कवर की हुई है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें कि इंडस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और वो किस सेक्शन में कवर होती है, 2J के अंदर, राइट। तो ये जो अंडरटेकिंग है ये इंडस्ट्री होनी चाहिए एज पर सेक्शन 2J। और तीसरी बात, उसी वर्कमैन को कंपनसेशन मिलेगा जिसने कम से कम एक साल कॉन्टिन्यूस सर्विस करी है इमीडिएटली बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग। मतलब आज ट्रांसफर हुआ है तो कल तक वो बंदा बिल्कुल रेगुलर था और उसकी जो सर्विस है, ईयर ऑफ सर्विस, वो 1 ईयर कंप्लीट कॉन्टिन्यूस सर्विस उसने प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो उसी वर्कमैन को कंपनसेशन मिलेगा। अब क्या कहते हैं, लेकिन ये तीन केसेस हैं जिसके अंदर कंपनसेशन नहीं भी देना बनता। No compensation arises in the following three condition. पहली condition क्या है? अगर transfer की वजह से काम के अंदर कोई interruption नहीं हुई, ठीक है, मतलब जो Chinese employer है उसने Indian employer को कहा कि undertaking तो ले लो, और Indian employer ने कहा कि जो भी आपके पहले काम कर रहे हैं लोग वही इसमें काम करेंगे, ठीक है, तो कोई interruption नहीं हुई ना, सिर्फ मालिक change हुआ है लेकिन workman वही है, तो कोई compensation नहीं बनता। दूसरा, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज नहीं आया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस चाइनीज एम्प्लॉयर ने रखी हुई थी वही टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन एम्प्लॉयर ने, या काफ़ी हद तक मिलती जुलती फेवरेबल है, ठीक है, विद द ओल्ड वंस, तो भी कंपनसेशन देना नहीं बनता। और तीसरी बात, अगर ये सारी चीज़ें न्यू एम्प्लॉयर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, मतलब जो पुरानी लाइबिलिटीज ओल्ड एम्प्लॉयर की थी चाइनीज एम्प्लॉयर की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब किसकी बन गई हैं, लाइबिलिटीज इंडियन एम्प्लॉयर की, न्यू एम्प्लॉयर की, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, न्यू एम्प्लॉयर शुड बी अंडर अ लीगल लाइबिलिटी टू पे टू द वर्कमैन इन द इवेंट ऑफ सब्सिक्वेंट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो वही सारी जो लाइबिलिटीज प्रायर एम्प्लॉयर की थी वो अब इस एम्प्लॉयर की हो गई हैं, तो भी प्रायर एम्प्लॉयर जो है वो अपनी सारी लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कंपनसेशन पे करना पड़ गया तो कंपनसेशन कौन पे करेगा? हाँ जी, कौन पे करेगा कंपनसेशन? ओल्ड एम्प्लॉयर, चाइनीज एम्प्लॉयर, ठीक है। कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड नॉट अगेंस्ट द न्यू वन। इंडियन एम्प्लॉयर की तरफ कोई भी कंपनसेशन नहीं बनता, वो पुराने एम्प्लॉयर की तरफ ही बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया सेक्शन 25FA, 60 days नोटिस टू बी गिवन ऑफ इंटेंशन टू क्लोज डाउन एनी अंडरटेकिंग। बड़ा ईजी है, कोई ऐसी बात नहीं है, बोर मत हो, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपनी एस्टैब्लिशमेंट को बंद करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे नोटिस देना पड़ेगा टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, क्लियरली स्टेटिंग द रीजन एंड एटलीस्ट बिफोर 60 days। तीन चीजों का ध्यान रखना है बस। एम्प्लॉयर, कोई भी बंदा अगर अपनी एस्टैब्लिशमेंट को बंद करना चाहता है तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 60 दिन पहले नोटिस दे, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दे, और रीजन भी लिखे कि वो क्यों अपनी एस्टैब्लिशमेंट को
बंद करना चाहता है, ठीक है। अब कहते हैं दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एन अंडरटेकिंग वेयर, लेकिन कुछ अंडरटेकिंग्स के ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता। कौन सा सेक्शन अप्लाई नहीं होता? ये वाला, किन के ऊपर? जहां पे लेस देन 50 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड। तो जिस अंडरटेकिंग में 50 से कम लोग काम कर रहे हैं वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। या फिर जहां पे एवरेज पर वर्किंग डे, मतलब 12 महीने, पिछले 12 महीने की एवरेज निकाली और एवरेज निकालने के बाद पर वर्किंग डे लेस देन 50 वर्कमैन आए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लो एक दिन में 10 लोग काम कर रहे हैं, दूसरे दिन में 20 कर रहे हैं, तीसरे दिन में 40 कर रहे हैं, चौथे दिन में 50 कर रहे हैं, छठे दिन में फिर से 10 लोग काम कर रहे हैं। तो हमने ये सभी सारे टोटल कर लेना है, 5 दिन और 5 दिन में लोग कितने लोगों ने काम किया उसका टोटल करके उसकी एवरेज निकाल लेनी है। तो इसी तरह से ये वाली एवरेज पूरे साल की निकालनी है कि पूरे साल हर दिन कितने कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया और डिवाइडेड बाय 365 पर डे आ गया। और कहते पर डे, पर वर्किंग डे अगर वो लेस देन 50 आया है तो उसके ऊपर भी ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता। और कहते कोई भी अंडरटेकिंग जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए बनाई गई है, ब्रिजेस के लिए, रोड्स के लिए, कैनाल्स के लिए, डैम्स के लिए, अदर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनके ऊपर भी ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, बहुत पावर्स है उसके पास। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस, बट इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जहां पे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से एम्प्लॉयर बेचारा नोटिस नहीं दे पाएगा। कैसा, क्या हो सकता है ऐसा? या तो एम्प्लॉयर का एक्सीडेंट हो गया या बेचारा एम्प्लॉयर मर गया, ठीक है। तो एक्सीडेंट इन द अंडरटेकिंग और डेथ ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिस वाली रिक्वायरमेंट से उसको, उस एस्टैब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट कर देगी। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आ गया, अगर एम्प्लॉयर इस सेक्शन की प्रोविजंस को वॉयलेट करता है, ठीक है, तो उसको जेल होगी। कालिया, जेल होगी कितने टाइम के लिए? अप टू 6 months, और उसे फाइन पे करना पड़ सकता है अप टू 5,000 rupees या फिर बोथ। क्लियर? फिर हमारे पास आ गया सेक्शन 25FFF, कंपेंसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ क्लोजिंग डाउन द अंडरटेकिंग। अगर अंडरटेकिंग क्लोज डाउन हो रही है, एम्प्लॉयर करना चाहता है, बंद करना चाहता है, लेकिन जो वर्कमैन है उसके लिए तो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो गई ना, वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं करना चाहता था और वो वॉलेंटियर नहीं है, वो नहीं चाहता कि मुझे फ्री करो, लेकिन एम्प्लॉयर अपनी अंडरटेकिंग को बंद कर रहा है। तो इस केस में वर्कमैन क्या फेस कर रहा है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस केस में जो वर्कमैन है उसको पता है क्या ट्रीट किया जाता है? उसको एज रिट्रेंच्ड वर्कमैन ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड एज हैविंग बीन रिट्रेंच्ड, और इस केस में उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि जो क्लोजर टेक प्लेस, जहां पे क्लोजर टेक प्लेस ड्यू टू अथॉरिटीज, मान लो सड़क निकालनी है, ठीक है, जब गवर्नमेंट सड़क निकालती है तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई घर उसके अंदर आ जाते हैं, घर का एरिया, कोई खेत आ जाते हैं, या कोई अंडरटेकिंग आ गई तो उसको तो हटाना पड़ेगा, कंपलसरी क्लोजिंग डाउन है क्योंकि वहां से सड़क निकालनी है। तो अगर इस तरह का केस आ जाता है कि क्लोजर टेक प्लेस ड्यू टू अथॉरिटीज, ठीक है, तब भी वर्कमैन वुड बी एंटाइटल्ड फॉर क्लोजर कंपनसेशन, तब भी सारे वर्कर्स को कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। अब कहते हैं अगर क्लोजर टेक प्लेस ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल मतलब विच आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो अगर इन सर्कमस्टांसेस की वजह से क्लोज डाउन करनी पड़ी तो फिर एम्प्लॉई को मैक्सिमम कितना कंपनसेशन देना है? मैक्सिमम 3 months एवरेज पे ये कंपनसेशन उसको दिया जाता है, मैक्सिमम 3 months एवरेज पे, ठीक है। लेकिन इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन समझते हो कि मतलब कहते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि ये कारण जो है, ठीक है, ये कंपलसरी क्लोजिंग डाउन नहीं हो सकती। मान लो अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी इट इज इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस नहीं है ये, इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर वो जुडिशियली फाइनेंस को यूज करता, तो ये एक्सेप्शन है कि अगर
कोई भी एस्टैब्लिशमेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से बंद हुई है तो वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस नहीं है और कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो बंद हुई है ड्यू टू एकोमुलेशन ऑफ अनडिस्पोज्ड ऑफ स्टॉक्स, मतलब स्टॉक इकट्ठा करी गया, डिस्पोज ऑफ किया ही नहीं, अगर ज्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया तो सेल में निकाल दो ना, ठीक है, तो इकट्ठा क्यों करना, तो वहां पे भी ये गलती किसकी, एम्प्लॉयर की गलती है, तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस नहीं है। फिर अगर लीज का या लाइसेंस ग्रांटेड का पीरियड एक्सपायर हो गया तो आपको पता है कि एक्सपायर होने वाला है, आप उसको रिन्यू करवाओ, ठीक है, ये भी गलती है ना एम्प्लॉयर की, तो ये भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस नहीं है। फिर कहते हैं जहां पे अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन माइनिंग ऑपरेशंस, जहां पे अंडरटेकिंग माइनिंग ऑपरेशंस करती है और मिनरल्स एग्जॉस्ट हो गई हैं, ठीक है, तो ये भी अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है और इस केस में भी कंपनसेशन दिया जाएगा, क्लियर। फिर कहते हैं अगर कोई अंडरटेकिंग सेटअप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस रोड्स कैनाल्स डैम्स और अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अगर ये एस्टैब्लिशमेंट अपना काम 2 साल के अंदर अंदर पूरा कर लेती है, बिल्डिंग ब्रिजेस रोड्स कैनाल्स डैम्स और अदर प्रोजेक्ट्स, अगर तो 2 साल के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है तो फिर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब 2 साल बाद ये बंद हो गई, 2 साल में इसने अपना काम पूरा कर लिया तो फिर वर्कर्स को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये 2 साल में अपना काम पूरा नहीं कर पाई और 2 साल से एक्सीड कर गया, ठीक है, तो फिर जो वर्कमैन है, मतलब 2 साल में काम भी पूरा नहीं हुआ और 2 साल बाद इसको बंद कर दिया गया, तो फिर जो वर्कमैन है एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन, क्लियर। तो ये था आपका सारा टॉपिक रिगार्डिंग रिट्रेंचमेंट। सो होपफुली आपको ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट प्योरली क्लियर हो गया होगा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको क्लियर हुआ है तो सीरियसली ये मेरे लिए एक रिगार्ड होगा कि आप एटलीस्ट इसको शेयर करो टू द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम, ताकि और भी बच्चे इसके थ्रू एडवांटेज ले सके। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।